हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के बारे में बातें करने वाले हैं। वैसे तो आपको मेरे चैनल पर सिर्फ बीपीएससी के ही चीजें या इन्फॉर्मेशन या ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं, बट आज हम बेसिक से लेकर सिलेबस तक की बातें करेंगे, तो इसीलिए आज का वीडियो कुछ अलग और कुछ अच्छा होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन पास आउट नहीं किया है, या फिर जो लोग अभी 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, वो लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं बीपीएससी के बारे में जानने के लिए, बेसिक से जानने के लिए, जैसे बीपीएससी क्या है, इसके एग्जाम्स आप कब दे सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी एज तक एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कौन कौन से पद क्या क्या पद होते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स बनते हैं आप, और सारी चीज़ें, इसके सिलेबस के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं। तो उन सारे सवालों का पर आप आज हम एक एक करके बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला इंटरेस्टिंग सवाल है कि बीपीएससी क्या है। तो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार सरकार की एक संस्था है जो समय समय पर वैकेंसीज निकालती है, फॉर्म्स निकालती है, एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं, क्योंकि ताकि वो ऑफिसर्स पदों पर बिहार सरकार के अंतर्गत ऑफिसर्स का चयन कर सकें, और उन ऑफिसर्स उन पदों पे जो लोग जो भी कैंडिडेट जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो उनका ऑफिसर्स पदों पर चयन करती हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बिहार सरकार के अंतर्गत संस्था बीपीएससी द्वारा पूरी की जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बीपीएससी क्या है। अब बात करते हैं कि बीपीएससी एग्जाम के लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बीपीएससी के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो सिर्फ आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपके दूसरे सवाल भी आई होप कि सॉल्व हो गए होंगे कि आपको ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होने की जरूरत है, आप ग्रेजुएशन करने की जरूरत है, उसके बाद आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो बीपीएससी के लिए जो एज लिमिट है अगर हम उसकी बात करें तो कम से कम जो मिनिमम एज लिमिट है उसमें आपको 20 वर्ष का होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद अगर हम मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल कैटेगरीज के मेल के लिए है वो 37 ईयर्स है, और जो जनरल कैटेगरीज की फीमेल के लिए है वो 40 ईयर्स है, और जो ओबीसी के लिए है वो भी 40 ईयर्स है, और जो एससी एसटी के लिए है वो 42 ईयर्स है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एज लिमिट क्या है, यानी कि अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 42 ईयर्स तक इस एग्जाम के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करती है। तो बीपीएससी जो है वो तीन चरण में, तीन लेवल्स पे ये एग्जाम कंडक्ट करती है। पहला लेवल जो होता है वो प्रीलिम्स का होता है, प्रीलिम्स जो है वो 150 मार्क्स के होते हैं, और दूसरा लेवल जो है वो मेंस का होता है जो आपको 900 मार्क्स के होते हैं, और जो तीसरा लेवल होता है वो इंटरव्यू का होता है। और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू ये तीनों मिलाकर जब ये तीनों एग्जाम्स आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एक ऑफिसर बनने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स की, जो 150 नंबर का होता है। तो बहुत सारे इसमें प्रश्न सामने आते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए हमें जो एग्जाम में बैठ चुके हैं उन्हें पता है कि प्रीलिम्स के लिए हमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट, और प्रीलिम्स में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो 150 मार्क्स के और 150 सवाल होते हैं, हर सवाल एक नंबर का होता है। तो यानी कि आपको 150 सवाल 120 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, और प्रीलिम्स जो है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। इसके प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है वो बहुवैकल्पिक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। अब बात आता है कि प्रीलिम्स की ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसके नंबर्स क्या आपके मेन रिजल्ट में ऐड होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो प्रीलिम्स के एग्जाम है उसके रिजल्ट आपके मेन एग्जाम में बिल्कुल भी ऐड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपको प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करना है और ताकि आप मेंस का एग्जाम दे सकें। तो इसलिए आपके प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के साथ फाइनल रिजल्ट में नहीं आएंगे। तो फाइनल रिजल्ट फिर किस मार्क्स से बनता है, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़कर आपके रैंकिंग या आपको किस कौन सा पद मिलता है ये इस पर डिपेंड करता है। तो प्रीलिम्स पर आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि आप मेंस लिख पाओ, और मेंस लिख पाओ मेंस क्वालिफाई करो ताकि आप इंटरव्यू में बैठ पाओ। तो ये एक बीपीएससी का चरण, तीन चरण है जिसमें बीपीएससी अपने एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, ठीक है, प्रीलिम्स में आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। तो अब जो नया, पहले प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी, अब जो नया सिलेबस चेंज होकर आया है उसमें कुछ कुछ बदलाव देखने को मिले हैं प्रीलिम्स लेवल पे, और बदलाव देखने को मिले हैं मेंस लेवल पे भी। पर अभी हम क्योंकि हम सिर्फ प्रीलिम्स की बातें कर रहे हैं तो हम बात करते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। तो प्रीलिम्स लेवल पर जो बदलाव है
है वो है माइनस मार्किंग। सबसे बड़ा बदलाव जो 68 बीपीएससी में किया गया है वो है माइनस मार्किंग। तो इसमें जो माइनस मार्किंग किया जाता है वो आपको 0.25% यानी 1/4 के जितना माइनस मार्किंग होता है आपके मार्क्स में। यानी कि अगर आप 4 गलत सवाल बनाओगे तो आपका एक सही सवाल के नंबर कट जाएंगे, यानी 4 गलत बनाने पे आपके एक पूरे नंबर कट जाएंगे। तो ऐसे 0.25% के हिसाब से माइनस मार्किंग की जाती है। और जो दूसरा बदलाव हमें देखने को मिला है वो प्रश्न की प्रकृति में भी बदलाव आया है। जैसे कि पहले आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते थे और ऑप्शन ई कहता था कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। अब इन दोनों ऑप्शन को कट करके इसे ऑप्शन ई के एक ऑप्शन यानी इनमें कोई दो या कोई दो से अधिक, ये प्रश्न ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन डी में दे दिया गया है। यानी कि अब आपके पास एक ही सवाल में सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं और 2 ऑप्शंस तो आपको कंफ्यूज करने वाले ही हैं। तो इसलिए इस तरह से प्रश्न के लेवल को थोड़ा सा अप किया गया है प्रीलिम्स में, पर इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट एग्जाम है और इसमें जब तक आपको कंपटीशन नहीं होगा, आप चीज़ों को सीरियसली नहीं लोगे और इस पे फोकस नहीं करोगे तो तब तक बीपीएससी पुराने पैटर्न पे एग्जाम लेते रहेगी। आपके अब समय बदल रहा है, आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, आपके पास टीचर्स बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत सारे नए नए बुक्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें से आप बहुत कम टाइम में चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो इसलिए उन्हें भी तो अपने एग्जाम के लेवल को थोड़ा अप करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको चिंता की कोई भी बात नहीं है, आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। बाकी होना ना होना वो तो रिजल्ट पे ही निर्भर करता है। तो अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स की सिलेबस की। तो हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना समय मिलेगा और ये आपको ओएमआर सीट पे ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें जो सिलेबस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस एंड टेक। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट जिससे आपको इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर आप बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की जिससे आपको लगभग 90 से 100 प्रश्न आपको इन 4 सब्जेक्ट से पूछ लिए जाते हैं, तो आप अगर पिछले बहुत सारे सालों के क्वेश्चंस उठाकर देखोगे कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन या कितनी मात्रा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है जिससे आपको लगभग 20 से 25 सवाल अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक से भी आपको 20 से 25 सवाल तो पूछ ही लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स की जिससे आपको 10 सवाल तो आते ही हैं और जिसका बैकग्राउंड मैथ्स है उनके लिए वो काफ़ी इजी हो जाते हैं। अब तो रीजनिंग भी पूछा जाने लगा है तो ये 10 सवाल अगर आपके मैथ्स अच्छे हैं तो 10 नंबर तो आपके फिक्स ही हैं उसमें। और सबसे वेटदार जो सब्जेक्ट है, जो सबसे वेटदार जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपको हर साल आपको 30 से 35 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर हो गया जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं और क्योंकि ये बीपीएससी है, बिहार इसे कंडक्ट करती है, तो बिहार स्पेशल जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपको बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के इकोनॉमिक्स, बिहार के जितने भी बिहार से जुड़े सवाल हैं, करंट अफेयर हैं, वो सब आपको पूछा जाता है और ये भी लगभग आपको 30 से 35 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो अकेले 100 नंबर से 105 तक जो आपके सवाल हैं, सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं सब्जेक्ट से बनते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी माने जाते हैं। अब बात करेंगे ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से चीज़ें थोड़ी चेंज होते रहती है, जैसे पिछले साल के ज्योग्राफी से थोड़े ज़्यादा सवाल पूछ लिए गए थे और थोड़े टफ सवाल भी पूछ लिए गए थे, तो वैसे ही लेकिन लगभग अगर आप बाकी सालों की प्रकृति को देखेंगे एग्जाम के तो आपको 5 से 10 सवाल ज्योग्राफी से पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स से भी आपको 5 से 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करंट अफेयर से भी रिलेट कर जाते हैं। तो ऐसे आपको ज्योग्राफी से सवाल पूछ लिए जाते हैं, मैथ्स से तो आपको 10 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह ये पूरा सिलेबस था जो प्रीलिम्स का है, ये सारा सिलेबस। इससे आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस से आपको मैंने ये भी बता दिया कि लगभग किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की आउटकम की, तो इससे आपको बस यही होता है कि आप कट ऑफ में आ जाए, एक कट ऑफ नंबर जो एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद आपको बताए जाते हैं ताकि आपके उतने नंबर आ जाए और आप ये क्वालिफाई कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर देनी है कि आप 150 में 150 नंबर ले आओ, आपको सिर्फ 100 से 110 नंबर तक आपको लाने होते हैं। बट पिछले साल हमने देखा था 67 में कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, तो इस बार लेकिन माइनस मार्किंग की वजह से आपने ये भी देखा होगा कि कट ऑफ बहुत कम रहा, तो इसलिए आपको मेहनत
अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ करनी पड़ेगी। बाकी इन सारे सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से बुक या रिसोर्स की जरूरत होगी वो भी मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दिया था। तो ऐसे ये सारी प्रिलिम्स की बातें थी। मेंस की भी अगर हम ऊपर ऊपर की थोड़ी बात कर लें, और पार्ट टू में हम मेंस की बात थोड़ी ज्यादा डिटेल में करेंगे। तो इस वीडियो का एक पार्ट टू भी आएगा जिसमें हम सिर्फ मेंस के सिलेबस की बात करेंगे। इस समय हमने सिर्फ प्रिलिम्स पे फोकस किया और हमने जाना कि बीपीएससी क्या है, इसके लिए आपके ग्रेजुएशन, आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, प्रिलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस आपके 900 नंबर का होता है, और आपको सिलेबस में जो चेंज हुआ है मेंस के लिए वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कि पहले जो है जो आपके ऑप्शनल पेपर थे वो 300 नंबर के अलग से होते थे ऑप्शनल, पर उससे हटाकर अब 300 नंबर के निबंध को कर दिया गया है। और ऑप्शनल जो है वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग हो गए हैं, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और एक हिंदी है जो क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो इस तरह आपके मेंस का भी सिलेबस है, और इन तीन पैटर्न में देखते हैं ये तीनों चरण जो हैं बीपीएससी के, ये बिल्कुल अलग अलग रूप में लिए जाते हैं। अब अलग अलग कैसे होते हैं, तो आप देखो जो पहले प्रीलिम्स लिया जाता है वो बहुवैकल्पिक रूप में लिया जाता है, यानी एमसीक्यूज काइंड ऑफ क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाते हैं। जो मेंस होता है वो आपको लिखित रूप में लिया जाता है, जो बहुत लंबे फैक्ट एंड आंसर राइटिंग पे बेसिकली आपको आंसर राइटिंग पूछे जाते हैं, आपको फैक्ट पूछे जाते हैं, एक लिखित रूप में एग्जाम ली जाती है। और जो आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो आपसे 1-to-1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे ये डिसाइड बेसिकली किया जाता है कि आप उस पद के लिए सही कैंडिडेट हो या नहीं। प्रीलिम्स और मेंस लेकर लोग संस्था को ये जानकारी तो हो जाती है कि नॉलेज आप में पूरी है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप सवाल जवाब कैसे कर सकते हो, आप प्रॉब्लम्स को फेस कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें भी आपसे वहां पे पूछ ली जाती है, या फिर वो आपके बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा निर्धारित होती है वो चीजें। तो इस तरह बीपीएससी जो है वो अलग अलग लेवल्स के एग्जाम लेते हैं ताकि आपके मेंटल स्टेट को वो जान सके, समझ सके, और आपके अंदर के एक अधिकारी को वो विकसित कर सके, बना सके। तो इसलिए आप इस सारी परीक्षाओं के लेवल से बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप मेहनत करें, और जितनी इम्पॉर्टेंट और ये एग्जाम है, जितनी इम्पॉर्टेंट इसकी तैयारी है, उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट और वर्थ इट ये तब लगता है जब आप इसे क्लियर कर लेते हो। तो आप जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी तब तक किसी चीज का मजा ही नहीं आता है ना। अगर ये एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता तो शायद इसके क्लियर होने के बाद हमें जो आउटकम मिलता है, जो हमें सराहना मिलती है, या जो हमें अनुभव होता है, वो आपको इसके इजी होने पर नहीं होता। तो इसलिए ये एग्जाम बहुत ही खास है और बहुत मुश्किल है, पर बहुत ही ज्यादा इसकी मुश्किलें इसके रिजल्ट को वर्थ करती हैं। तो इसलिए आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी जारी रखिए, और मेरी भी तैयारी जारी है, और ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे फिर कुछ नई जानकारियों के साथ। और सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही अच्छे और कुछ नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा।